सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। लगातार हो रहे दोपहिया गाड़ियों की चोरी की शिकायत पुलिस को मिल रही थी और भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने खान कंपाउंड भिवंडी से सर्जिल सिराज अहमद उर्फ हमजा 22 वर्षीय को हिरासत में लिया है। दरअसल सर्जिल हेल्पर का काम गैरेज में करता है और इसे दो पहिया गाड़ियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। यह मुमरा, भिवंडी, बागले, नौपाड़ा, नारकोली जैसे इलाकों में दो पहिया गाड़ियों को चोरी का अंजाम देता था और उसे बेच दिया करता था। इस पर कुल 19 मामले दर्ज हैं। इसके पास से पुलिस ने 8 दोपहिया गाड़ी सहित 6,70,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। थाने शहर के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे सर ने पिछले कई दिनों में एक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जहां पे मोटरसाइकिल थेफ्ट या व्हीकल थेफ्ट होगी वहां जाके उन्हें हमें रुकवाना है, और इस कार्यवाही के बीच में यूनिट 2 क्राइम ब्रांच जो भिवंडी में कार्यरत है वहाँ के कुछ पुलिस अफसरों ने यहाँ पे यह काम शुरू किया था। और इन बिटवीन नारकोली पुलिस स्टेशन और कोनगांव पुलिस स्टेशन में यह मोटरसाइकिल थेफ्ट की कुछ वारदातें भी वहाँ ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। वहाँ जाके घटनास्थल पे जब हमारी टीम पहुँची तो वहाँ CCTV फुटेज के कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए जिससे कुछ बातें सामने आई थी। वहाँ हमारे पुलिस सिपाही अमोल इंगले, इन्होंने ये विश्लेषण करने के बाद और उनके साथ जो टीम थी इन्होंने सीनियर योगेश अवार्ड साहब को ये बात बताई, तो वहाँ पे छानबीन करने के बाद मोहम्मद सर्जिल सिराज अहमद मोमिन उर्फ हमजा, जिनकी उम्र लगभग 22 साल है, रहने वाला सायरा मंजिल का है जो खान कंपाउंड शांतिनगर भिवंडी के जुरिडिक्शन में आता है, वहाँ पे उन्हें हिरासत में लिया गया 3 जून को। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ बातें बताई जो इंट्रोगेशन में सामने आई। उन्होंने करीब से करीब 10 ऑफेंस को उन्होंने अंजाम दिया था, जो 10 ऑफेंस भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 379 से ये वहाँ पे रजिस्टर की गई है। 3 जून से लेकर 7 जून तक, मतलब कल तक, उनकी कस्टडी सैंक्शन की गई है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो यहाँ पे जब टेक्निकल एनालिसिस किया और आगे ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ा तो वैसे ही कुछ बातें सामने आई कि जिनमें से मैंने पहले कहा 10 ऑफेंस इस मोहम्मद सर्जिल ने किए हैं, जिनमें कोनगांव, नारकोली, वागली स्टेट वर्तक नगर में 1-1 है, मुमरा में 2 है, शिरडाइगर पुलिस स्टेशन में 2 है, नौपाड़ा और कापुर बावड़ी में 1-1 379 के तहत ये रजिस्टर किए गए हैं, ये डिटेक्ट हुए हैं। इस दौरान 6 मोटरसाइकिलें, 6 बाइक्स और 1 मोबाइल फ़ोन जो सीज किया गया है इस आरोपी की तरफ से, और अभी इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी भी कुछ बातें अगर सामने आएगी, उनके साथ कोई और साथ में किसी ने ऑफेंस किया है, किसी ने इन्हें मदद की है, या कोई बातें आएंगी या और कुछ मोटरसाइकिल बरामद होगी, तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। गौरतलब ये है कि ये जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, ये ऑन रिकॉर्ड आरोपी है। इनके ऊपर अभी तक हमारे रिकॉर्ड जैसे कि अवेलेबल हुए शांतिनगर भिवंडी में जो आता है पुलिस स्टेशन, वहाँ इनके खिलाफ 29 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। मतलब ये रिकॉर्ड पे 29 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं, ये ज़्यादातर 379-80 के हैं थेफ्ट के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी कितनी मोटरसाइकिलें यहाँ पे उनके द्वारा बरामद हुई, अभी भी कितनी होने वाली, अभी भी कुछ अगर उनके साथ रहने वाले कुछ आरोपी हो गए तो उनकी छानबीन होगी। हमारा प्रयास है कि कल जब हम आरोपियों को मैजिस्ट्रेट के सामने हम पेश करेंगे तो पेशी के दौरान ये पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल हम एक्वायर सीज कर सकते हैं या कुछ बातें सामने आ सकती हैं।
ये हेल्पर का काम करता था और हेल्पर के काम करने के माध्यम से ज़्यादा मोटरसाइकिलियों को हैंडलिंग करना, और ये थोड़ा सा इस मोड़ पे गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल होनी चाहिए, एक शौक बन गया था। इन्हें बेचना खरीदना वो अलग काम, गाड़ी पे राइड करना वो अलग काम। ये इस तरह की एमओबी ये मोहम्मद सरजील सिराज रखता था, अभी तक ये बात सामने आई है। सर, ये कितने सालों से आरोपी चोरी के मामले में लिप्त रहे? देखो अभी उम्र है 22 साल। अगर हम रजिस्टर ऑफेंस का अगर तारीख देखें तो ज़्यादातर ये 221 220 के भी, मतलब पिछले 5 साल से ये आरोपी लगातार ये ऑफेंस कर रहा है, मतलब वो नाबालिग नहीं। अगर होगा भी तो 17 18 18 से लेकर आगे सर, ये चोरी बाईस की साल बाइक किसको बेचता था गुजरात में? नहीं, ये बात कैसे होती है, अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे कि जितने भी चोरी के बाइक हमें बरामद किए, जिन लोगों से बरामद किए, वो तो बात सामने आई है। अभी भी बहुत सी बातें सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। पीसी भी नहीं मिली, बाद में पीसी अगर खत्म भी हो जाती है पुलिस कस्टडी, फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा 60 दिन तक। इसलिए हमें अभी भी स्कोप है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं।